हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। सुकून ब्लॉगर में दिल से स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? होप करती हूँ अच्छे होंगे। यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ये देखिए, हीटर जला कर बैठे हुए हैं यहाँ पे और अपनी फ्रेंड के घर में है। तो मेरी फ्रेंड बोल रही है कि चलिए आमलेट बनाते हैं। मेरी फ्रेंड को तो आमलेट बनाने आता है और मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो बस खाने आता है। अभी दोनों मिलकर आमलेट बनाएंगे। हम तो नहीं बनाएंगे, बस सीखेंगे, फिर अगला दिन देखेंगे बनाकर। अभी मेरी फ्रेंड भी बना रही है, ब्लॉग शूट कर रही है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे ठंड लग रही है इसलिए। हाँ, इन्हें आता है बनाने, मुझे तो आता नहीं है, तो ये बनाएंगी और हम खाएंगे। देखते हैं कैसे बनाती है और हम सीख जाएंगे। अभी रुकिए रुकिए, आगे। अभी हम सीखेंगे इनसे और अगला दिन हम भी ट्राई करेंगे, फिर हम दोनों हम बनाएंगे, ये खाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आमलेट कैसे ये बनाती हैं, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, इनको भी नहीं आता है बनाने, इसलिए ट्राई करेंगे। तो हम लोग एक या दो अंडा का ही बनाएंगे। अभी तो मेरे पास, पता है, ये बैठने के लिए ऐसे बोल रही थी कि चलिए आमलेट बनाते हैं। ये बोल रही है कि अभी उतना अच्छा से तो नहीं आता है, तो मैंने बोला कि एक दो अंडा का ही बनाकर ट्राई करके देखते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा बनाया जाएगा। तो एक दो अंडा पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना? हाँ, नहीं जानती हूँ मैं तो, बोल रही थी कि मैं नहीं जानती हूँ, ये भाग जाती पट से। तो मैं भी झूठ बोली उनसे कि मैं अंडा बनाना जानती हूँ, बट अंडा बनाना तो नहीं जानती। तो चलिए मैं अंडा बनाती हूँ और इनको खिलाती हूँ कुछ कुछ। आज ये जो है ना, अभी जितना भी बात बोली है मैंने सारा सुन लिया है, ठीक है? क्योंकि मैं अभी पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी इनको। अभी मैं बताती हूँ, जब ये मेरे घर जाती है ना तो रुकती नहीं है, और अभी यहाँ पे तेज बन रही है। और देख लीजिए, ये अंडा यहाँ पे तोड़ चुकी है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे आमलेट बनता है। फ्रेंड, ये देखिए, ये गिलास में अंडा को तोड़ रखी है। दो अंडा है क्या? दो अंडा है। अच्छा, इसमें दो अंडा तोड़ ली है, उसके बाद इधर ऑनियन काट रही है और इधर इनका ब्लॉग भी शूट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आ गया ग्रीन पत्ता, जो कि अभी बहुत मजेदार बनने वाला है इससे। और मिर्ची भी डलाएगा। आप लोग बने रहिए, क्या क्या डालती हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ और मैं सीख भी रही हूँ। और इसे अभी धोएंगी, उसके बाद ही काटेंगी। अभी इसमें नमक डला रहे हैं। इनको आता है बनाने, बहुत झूठ झूठ बोलती थी रुकने के कारण। ये देखिए, दुकानदार के जैसा ये तो किए जा रही है। So friend, ये देखिए, तो हमारा अंडा बनने के लिए रेडी हो गया, ऑमलेट बनने वाला है। अभी ऑमलेट बनेगा। देखिए, बिल्कुल दुकानदार के जैसे कर रहे हैं। कभी दुकान नहीं हो गया? नहीं जी। लगता है ना कि ये कभी दुकान देती थी, है ना? फ्रेंड, ये देखिए, ये अंडा आपको दिखा रहे हैं जो कि एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। तो इधर गैस चूल्हा भी जल रहा है और थोड़ा सा ये देखिए, ये बनकर रेडी होने वाला है। तो अभी फटाफट से जब खाएंगे फिर अगर मजा आ जाएगा तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे, फिर से बनाएंगे। फ्रेंड, ये दोनों अंडा देखिए अभी बनने के लिए रेडी हो चुका है। दोनों मोबाइल अभी हम यहाँ पे दोनों पकड़ कर रखे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्टैंड नहीं है और हम लोग क्वार्टर में रहते हैं ना, तो किचन बहुत छोटा सा है। मतलब कि छोटा है तो फिर भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। हम लोग का काम ही है हैंडल करना। जब हम लोग हस्बैंड को हैंडल कर सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना? बात देखिए, सुनिए, सही बात है क्या? अच्छा, बताइए, ये हम लोग तो कर ही सकते हैं, नहीं? जब कर लेते हैं, क्या कर क्या सकते हैं, कर लेते हैं।
आप लोग देखते रहिए, ये अभी कढ़ाई मुझे तो नहीं आता क्योंकि लोग तो तवा पे बनाता है ना, ये कढ़ाई बनाते हैं तो खाएंगे उसके बाद। तवा भी है मेरे पास, यहाँ पे दिखाऊंगी, यहाँ है तवा, बट मैं इसे अभी नहीं निकालूंगी। अच्छा ऊपर में देखिए तवा भी रखा हुआ है, अंडा बनाने वाला है तवा भी, उसको अभी धोना पड़ेगा ना, बहुत दिन से रखा हुआ है इसीलिए अभी इसमें कॉल आ रहा है। सो फ्रेंड मैं इसे ऐड करूंगी थोड़ा सा तेल। आप लोग भी जिसको जिसको नहीं आता होगा वो सीख लीजिएगा, ठीक है। मुंडी कर रहा है सो फ्रेंड, आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। बोले कुछ सो फ्रेंड, ये देखिए कढ़ाई में अब डालेंगी तो आप लोग बने रहिए। ये अब बस 2-3 मिनट और लगेंगे। कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट, ओनली फॉर 5 मिनट्स। वाह कितना मजा आएगा ना खाने में। आपको तो मैं बोल दी कि मैं टेस्टी बनाती हूँ, बट मैं टेस्टी नहीं बनाती हूँ। सुन लीजिए फ्रेंड, इनको टेस्टी नहीं आता बनाने, अगर टेस्टी नहीं रहा फिर आप समझिए। ठीक है आप खा के बताइएगा, ठीक है ना। तो आप इनसे ही बात कर लीजिए कि आप लोग को ये खिलाएंगे कि नहीं। सो आप लोग आप बताइए कि फैंस को खिलाइएगा कि नहीं। हाँ मैं फ्रेंड को खिलाऊंगी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, है ना। बिल्कुल खिलाना भी चाहिए। तो आप लोग जब कभी आइए तो आप इनसे जरूर बोलिए कि मुझे ऑमलेट खिलाएं, तो बहुत टेस्टी बना के खिलाएं। कमेंट करके गाइस जरूर बताइएगा। सो देखिए इधर अब तो हो गया फ्रेंड, ये बिल्कुल दुकान के जैसा ही बना रही हैं। तो देखने में तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। तो वो अब ओनली फॉर कितना मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ओनली फॉर 2 मिनट्स। सो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया बिल्कुल बनकर। इसी पे रख लेंगे अंडा वाला पे। हाँ उसी पे रखिए। सो फ्रेंड ये देखिए हमारा ऑमलेट रेडी हो गया, और मैं मोबाइल में कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि मुझे दो दो मोबाइल हैंडल करना पड़ रहा है। सो ये देखिए टूट भी गया हमारा, कोई बात नहीं तोड़ कर ही तो खाएंगे, है ना। और इधर देखिए, इधर भी कैमरा में ही सूट हो, मोबाइल में ही सूट हो रहा है डबल डबल। इसको निकाल रही हूँ। सो फ्रेंड ये देखिए, अब ये प्लेट में निकाल रही हैं। तो अभी चलिए अब हम लोग खाने चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड ये देखिए, जल भी दिया इतना गर्म बना है। सो फ्रेंड ये देखिए हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। सो अभी देखिए, अभी हम दोनों मिलकर खाते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसा बनाते हैं। हमसे पहले तो यही मान ली, हम तो ब्लॉगिंग में बिजी रह जाते हैं। कैसा 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 बताइए बताइए, आप बताइए, हम बनाए आप ना बताइएगा। सो देखते हैं पहले खा के, गर्म है यार, यम्मी। बाप रे ये ब्लॉग में ही झूठ बोल रही थी, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। सो ये मुझे बोल रही थी नहीं आता है बनाने, मुझे नहीं बोल रही थी, वो अपना कैमरा में बोल रही थी जो कि मैं आगे से सुन रही थी। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी आइए और इनसे ऑमलेट बनाकर खाइए। और ये ब्लॉग हम लोग का हस्बैंड जब देखेंगे ना, बोलेंगे ये दोनों ऑमलेट बनाकर खाती है ना, बोलेंगे ना। सो गाइस बहुत ही टेस्टी है, तो सो आप लोग भी खाइए। ये लीजिए और ये आप लोग के लिए। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो खाते खाते कुछ गप्पे हो जा, तो हम दोनों का यहाँ पे गप्पे चल रहा है। जो लेडीज लोग का दो गप्पे चलता है ना, जहाँ पे 2-3 लेडी हो जाए वहाँ पे तो गप्पे तो बनता ही है। सो यहाँ पे मैं बोले जा रही थी कि आप कितना अच्छा सब कुछ बना लेते हैं, हमको भी कुछ कुछ सिखाया कीजिए, यही सब बातें चल रही थी। और ये लास्ट में देखिएगा, मुझे ना इतना ज़्यादा खिलाने के लिए ही बोल रही थी, ये चाहती हैं कि मैं मोटी हो जाऊं और वो दुबली ही रहें ताकि मुझे चलने तक ना बन पाए, ये ऐसा सोचती है मेरे साथ यहाँ पे, इसलिए हंसी भी आ रही है। और हम लोग कुछ अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस कर रहे थे,
इसलिए मैं ऊपर से वॉइस दे रही हूँ क्योंकि पर्सनल मैटर यहाँ पे आ गई थी। सो आप लोग के साथ शेयर करना अच्छा नहीं था लगा। सो यहाँ पे ये तो मेरे से ज़्यादा वही खाली और यहाँ पे गर्म हम लोग को ठंडा लग रहा था तो हीटर भी जलाया हम लोगों ने और बनाई है खिलाने के लिए मुझे, लेकिन सबसे ज़्यादा यही खाई हैं। नहीं फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए छोड़ रही थी लेकिन मैं ही कम खाई। कम क्या, दोनों बराबर में मतलब खाई। और यहाँ पे गप्पे सप्पे तो चलता ही रहेगा, हम दोनों का गप्पे सप्पे कुछ अलग ही होता है। सो यहाँ पे देखिए ये गप गप मार के पूरा खा रही है। यहाँ पे देखिए हम दोनों में झगड़ा हो गया कि आप लीजिए, लेकिन हम दोनों ने बराबर खाया। सो यहाँ पे मज़ा आ गया खाकर और हम दोनों का हस्बैंड भी यहाँ पे देख के शौक रह जाएंगे कि क्या क्या करती हो। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे करते हैं और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए और हम दोनों का मस्ती भी देख लीजिए आप लोग। सो आगे देखिए। सो फ्रेंड हमने खा के पूरा सफा चेक कर दिया है, देख सकते हो इतना टेस्टी बना कि आप फ्रेंड से पूछते हैं उसको टेस्टी लगा कि नहीं लगा। बहुत टेस्टी लगा, बहुत बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा बनाई। और मुझे ये लड़ लड़ कर मुझे ही ज्यादा खिला रही थी ताकि इनसे मोटी मैं हो जाऊं। ऐसे भी तो इनसे मोटी मैं ही हूं, कहां मोटी है, जबरदस्ती इनके यहाँ ऐसे भी जब भी मैं आती हूँ ना तो ये जबरदस्ती मुझे खाना खिलाती हैं ताकि और इनसे मोटी हो जाए और मुझे चलने नहीं पाए, है ना, ऐसा ही ना, जबरदस्ती जबरदस्ती खूब खिलाती है ये मुझे। सो फ्रेंड तो कैसा बना आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं ऑमलेट कैसी बनाई। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऑमलेट सही तरीके से बनाई है या नहीं, क्योंकि टेस्ट तो आप लोग को नहीं मालूम चला, टेस्ट तो मुझे पता चला और इनको, तो अपना तो कौन बड़ाई करता है ना। लेकिन मैं सही बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनाई थी, बहुत ही टेस्टी था। और तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। तो सो मिलते हैं कल, बाय बाय बाय।